Hello people, welcome back to my channel once again. Guys, today we are traveling again, but आज हम पहाड़ों में नहीं और भी गर्म इलाके में जा रहे हैं, तो हम दिल्ली जा रहे हैं भाई। अब जाके शादी की थोड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है, तो मैं और मॉम दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं आज, थोड़ा अपना कॉस्ट्यूम्स ड्रेसेस वगैरह फाइनलाइज करने के लिए। ये फर्स्ट विजिट नहीं है वैसे, हम आई हैव गॉन ट्वाइस इससे पहले भी। अभी हम निकले हैं 8 बजे चंडीगढ़ से, अभी 23 हुआ टाइम एंड वी आर अबाउट टू रीच अम्बाला। संडे का दिन है तो देखते हैं कैसे कैसे रहता है। तो गाइस हम रुके हैं अम्बाला से शाहबाद के बीच में एनडीआई प्लाजा। भाई मैं सबवे ही ढूंढ रहा था, क्योंकि सबवे थोड़ा सा ना ऐसे अंदर से फीलिंग देता है कि थोड़ा हेल्दी होगा, जो हेल्दी होता नहीं इतना। अभी टाइम हुआ है 9:15, तो हम एम कर रहे हैं कि हम 12 बजे तक पहुंच जाए, काम निपटा ले और कल प्रॉबेबली वी विल बी कमिंग बैक। लेट्स सी कैसा कैसा रहता है। गाइस पेट पूजा अपनी हो गई है, बढ़िया जबरदस्त वाली, और हमें कहीं नहीं रुकना पड़ेगा, हम डायरेक्ट अपना दीप उबिया के यहाँ रुकेंगे इन दिल्ली। सो गाइस ऑलमोस्ट रीचिंग सोनीपत। भाई काफी बढ़िया सी जर्नी रही है, जब से मैं ले से आया हूँ तब से मेरे को ना थोड़ा मोटा ट्रैवल 200-300 किलोमीटर तो ऐसे लगता है कि क्या प्लेन्स में तो आराम से हंसते खेलते कट जाता है। तो गर्मी अभी तक तो कुछ हमारे को ऐसे चेंज फील हुआ नहीं है, अब उतर के देखते हैं अगर चेंज फील होगा। सोरला जी तो कल ही शिमला से आए हैं, काफ़ी खतरनाक वेदर में, लेकिन जब आप आए हो तो 1-2 डिग्री ऑलरेडी कम हो चुका था। शिमला में बारिश हुई थी तो उससे थोड़ी सी हल्की ठंडक आई थी, ठंडक क्या 1-2 डिग्री कम हो गया था, है तो गर्मी है। Guys, we have entered Delhi. Time is exact 11. हम 8 बजे चले थे, 8:10 पे चले थे बल्कि, तो हम 3 घंटे से भी कम में पहुँच गए, पता नहीं कैसे। हाँ अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे चंडीगढ़ से जीरकपुर आए होने। तभी मेरे को सुबह की जर्नी पसंद है, क्योंकि सुबह की जर्नी में आपका टाइम बहुत ही बढ़िया से यूटिलाइज होता है और भाई फ्रेश पहुँच जाते हैं। तो अब भाई करते हैं शादी की तैयारी शुरू। शादी की तैयारी तो वैसे शुरू हुई भी है, बट टाइम कम बचा है तो अब ऐसा लगने लग गया है कि बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, कि बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, और 3 बंदे हम तो हमारे पास काफी कंधे काफी जिम्मेवारियों से लदे हुए हैं इस टाइम। अभी हम जाएंगे वहाँ पे, मम्मी थोड़ा बहुत अपना निपटाएंगे, मैं देखता हूँ मेरे को गाड़ी के लिए भी जाना है थोड़ा सा, तो मैं शायद मम्मी को वहाँ पे ड्रॉप करके थोड़ा बहुत अपना देख के फिर गाड़ी के लिए निकल जाऊंगा। फर्स्ट ऑफिस पीतमपुरा में था भाई, और मैं रोहिणी में प्रशांत विहार में रहता था टू बी प्रिसाइज, तो ये एरिया ना आई एम वेरी नोन टू दिस एरिया। और मेरा जो स्टार्टअप था वो सेम उस सर छोटूराम मार्ग पे था, जहाँ पे हम दीपू भैया की बत्रा क्लॉथ हाउस है सेम उस पे था। तो जब मैं पहली बार उनके पास गया था तो मैं उनको बताया भी था, मैं कहा भाई यहाँ तो ये तो अपना एरिया होता था, 2 साल हमने फुल लगाया है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी है, मेरे को मम्मा को उतारना पड़ा है, ट्रैफिक था भाई और गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही थी, और अभी मैंने मॉम को उतार दिया। मैंने सोचा पहले मैं अपना काम निपटाया था, क्योंकि मम्मी का मेरे को पता है मम्मी लगाएंगे अच्छा खासा टाइम अपने सूट सिलेक्शन में और ये वो, और उन्हें सिर्फ शादी के ना उन्हें आगे पीछे मतलब जब दिल्ली तक आ गए तो उनको थोड़ा ज़्यादा स्टॉक लेके जा। तो मैं निकल गया हूँ भाई अपने भरत भाई की शॉप के लिए, भरत कार एक्सेसरीज विच इज़ क्लोज टू नारायण ना,
तो वहाँ पे जाएंगे। मैंने पिछले लास्ट टाइम जब आया था तब भी गाड़ी का काम कराया था, तो थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे करानी है। ऑनेस्टली बताओ ना, मेरे को तो भाई गाड़ी के काम की ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। शादी का काम तो अनलिमिटेड काम है, शादी का लगे हुए है भाई कार्ड, ये वो भी कार्ड्स तक नहीं छपे हैं। वो कार्ड मैंने बड़ा ही यूनिक छपवाया है, कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा, आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अभी मैं फटाफट से चलता हूँ, अपने धनों का थोड़ा सा काम करवाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आपको दीपू भाई से मिलवाते हैं। तो गाइस वी हैव रीच्ड भरतकार, भरत भाई को ढूंढते हैं भाई और फिर गाड़ी का काम कराते हैं। मम्मी का फोन ऑलरेडी आ चुका है कि तू कितने देर में वापस आ रहा है, तो फटाफट वापस तो जाना ही पड़ेगा। हेलो 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 सर, साहब कैसे हो? वेरी वेल। गाइस आई एम मेल्टिंग इन दिस हीट भाई, अब थोड़ा आधे पौने घंटे का काम और रह गया, उसके बाद हम कान उठाते हैं फिर निकलते हैं। मम्मी के दो फोन ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली भाई अपना काम धंधा सारा ख़त्म हो चुका है, हमने कैरियर लगवा लिया है। गर्मी बहुत थी तो आई एम स्वेटिंग लाइक एनी डैम थिंग। लगती है हाँ जी, 7-8 हज़ार का माल पहन रखा है। हाँ दिखा दिखा दिखा। आपने इसका नाम क्या बोला? दिल मांगे मूर्ति को तुलसी तेरे आंगन की। तो बस फाइनली ट्रायल शुरू हो रहे हैं मेरा, अभी आई एम ट्राइंग माय रिसेप्शन वाला सूट। तो गाइस सरला जी की तो पूरी शॉपिंग हो चुकी है और मेरी भी शॉपिंग हो चुकी है। थोड़े से कुर्ते पजामे देखने, मेरे को इतना बड़ा सा पिंपल हो गया ना यार, अजीब सा। तो हम कुर्ते पजामे देखने जा रहे हैं, मेरे लिए थोड़े से कुर्ते पजामे ले लेते, शादी के बाद भी घूमना होगा हमें। और अपने दीपू भैया से आपको भी मिला, आपसे मुलाकात रहती है, मैं सुबह से कह रहा हूँ दीपू भैया। तो भाई ये है अपने दीपू भैया जिन्होंने हमारी शादी पूरी एकदम सक्सेसफुली निपटवा रहे हैं। जो नहीं भाई, ये इतने कॉर्डियल, इतने वार्म और एकदम फ्लेक्सिबल विद एवरीथिंग, और जो स्टाफ है यहाँ पे वो इनसे भी अच्छा है। तो इस कुर्ते पे जब अपने फाइनल हो चुके हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हमने किया है ये कपड़ा, दूसरा हमने किया है ये कपड़ा, तीसरा इस पर स्टिल कॉन्टम्पलेटिंग, बट ये दोनों फाइनल है। और हम सोच रहे हैं आज ही वापस निकल जाएंगे, आज रुकेंगे नहीं भाई, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत सारे काम पेंडिंग है। ऑलमोस्ट सारे काम अपने निपट चुके हैं, गाड़ी का काम हो गया, मॉम की शॉपिंग, मॉम के तो ट्रायल्स थे वैसे वो भी हो गए, मेरे ट्रायल्स थे वो भी हो गए, जो सिलेक्शन थी वो भी होगी, सो आई थिंक वी कैन गो बैक टुडे। फाइनली हम निकल चुके हैं। वैसे तो हम आए थे कि इस हिसाब से कि हम आज स्टे करना पड़ेगा, बैग्स वैग्स लेके आए थे हम सामान वामान, बट भाई थैंकफुली सब कुछ निपट गया है एंड वी आर लीविंग बैक फॉर चंडीगढ़। कल चंडीगढ़ में भी काम है शादी के लिए। भाई एक सबको सजेशन जिनकी नहीं हुई है अभी तक, कि जब आपकी शादी को 3-4 महीने रह जाए ना, तो उसको सीरियसली लेने लग जाना। अब मैंने ऐसा नहीं किया, तो मेरे को अब लास्ट मोमेंट वैसे लग रहा है कि बहुत काम रहता है भाई, बहुत काम रहता है, लेकिन जब आपकी शादी हो तो 3-4 महीने पहले से सीरियस हो जाओ और फुल काम पे लग जाओ, तभी निपटेगा भाई आराम से शादी का काम। लास्ट के 1-2 महीने में नहीं निपटता शादी का काम आराम से, बहुत भागा दौड़ी होती है फिर। टाइम इज़ 8:12, पूरे 12 घंटे में हम वापस हो गए, नहीं 8-10 पे सुबह चले थे, है ना, तो हम पूरे के पूरे 12 घंटे में अपना काम निपटा के हम निकल चुके हैं वापस, और अब अगले 3-4 घंटे में हम वापस ही पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। तो काफ़ी क्विक एंड वेरी प्रोडक्टिव डे, चाहे कोई ऑल्टरेशन थी चाहे जो मर्जी, हाँ सब कुछ हो गया। मेरी एक ज़ारा की ट्राउजर थी वो भी मैंने करा ली यहीं पे ऑल्टर, सोचो चंडीगढ़ नहीं हुई वो ऑल्टर, इतने टाइम से यहाँ हो गई। जर्नी रहेगी रात की, तो कुछ ज़्यादा इधर उधर आपको क्या ही दिखेगा, तो अब जल्दी से डायरेक्टली पहुँचते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे। मम्मी और अपनी सारे ड्रेसेस लेके हम पहुंच चुके हैं वापस, शॉपिंग तो नहीं आज हुई है सारी, आया तो मोर ऑफ इट वॉज अ फिटिंग डे, बट सारा कुछ फाइनलाइज करके हम वापस पहुंच चुके हैं। मेरी हालत देखो, ये पिंपल से ना मेरे को बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कुछ, ये हमें अभी पहले ऊपर ले जाना है, फिर वापस नीचे लाना है, फिर शिमला पहुँचाना है, काफ़ी बड़ा टास्क है हमारे लिए।
सरला जी का हमारा सफ़र काफ़ी बढ़िया रहा हमारे साथ। बहुत अच्छा सफ़र रहा। बहुत अच्छा सफ़र। चलो फिर चलो सफ़र ले चलो। Da 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 da